स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस अनीसा, इस्लामिया टीचर ऑफ क्लास 7। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज ये मेरा लेक्चर नंबर 14 है और लेक्चर नंबर 13 में हमने चैप्टर नंबर 9 की पहली 5 स्टेटमेंट पढ़ी थी, 1 से लेके 5 तक, फतह मक्का की। और आपको मैंने ये याद करने के लिए दी थी, यकीनन आपने याद कर ली होंगी। स्टूडेंट्स, अपने नोट्स खोल लीजिए इस्लामियात के पेज नंबर 9 एंड यूनिट नंबर 9, फतह मक्का। आज हम स्टेटमेंट नंबर 6 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। रीडिंग करती हूँ मैं पहले। स्टेटमेंट नंबर 6 है, ये शरायत सुनकर कुरैश की जानिब से करतबा बिन उमर ने कहा, हमें तीसरी शर्त मंजूर है। स्टेटमेंट नंबर 7 है, कासिद के जाने के बाद क्रैश को नदामत हुई, उन्होंने अबू सुफियान को फ़ौरन मुहादे के लिए मदीना भिजवाया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था, खाना काबा को बुतों से पाक करना भी ज़रूरी हो गया था। स्टेटमेंट नंबर 8 है, अबू सुफियान की वापसी के बाद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 हिजरी 10 रमज़ानुल मुबारक को 10,000 सहाबा रज़ी ताला अन्हा के हमरा मदीना से रवाना हुए। स्टेटमेंट नंबर 9 है, कुरैश को जब इलम हुआ कि मुसलमान मक्का से चंद मील के फासले पर वादी फ़ातिमा तक पहुंच चुके थे, कुरैश ने अबू सुफियान को मुसलमानों के लश्कर की तहकीकात के लिए भेजा, तो रस्ते में अबू सुफियान पर हज़रत अब्बास रज़ी ताला अन्हा और हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हा की नज़र पड़ गई और आप रज़ी ताला अन्हा बेकाबू हो गए और फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफर के इस्तहसाल का वक्त आ गया है। स्टेटमेंट नंबर 10, अबू सुफियान के पकड़े जाने के बाद उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे माफ़ कर दिया और ऐलान करवाया कि जो शख्स अबू सुफियान के घर या खाना काबा में पनाह लेगा, इसको अमन है। इस बात से मुतासिर होकर अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल कर लिया। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ये स्टेटमेंट नंबर 6 जो है, इसमें ये शरायत सुनकर क्रैश की जानिब से करतबा बिन उमर ने कहा, हमें तीसरी शर्त मंजूर है। हदीबिया का जो मुहायदा हुआ था बनु खजां और बनु बकर के दरमियान, इसमें जो उन्होंने हमला कर दिया बनु खजां ने और बहुत सारे लोग जो थे वो मारे गए बनु खजां के, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, या तो आप खून बहा दें और या फिर ये मुहायदा, ये ऐलान कर दें कि ये मुहायदा टूट चुका हुआ है। तो इसके नतीजे में ये शरायत सुनी, जब ये शरायत सुनी तो कुरैश की जानिब से करतबा बिन उमर ने कहा, हमें तीसरी शर्त मंजूर है। स्टेटमेंट नंबर 7 है, कासिद के जाने के बाद कुरैश को नदामत हुई और जब वो कासिद चला गया जिसको भेजा था हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो कुरैश वालों को बहुत नदामत, बहुत शर्मिंदगी हुई और उन्होंने अबू सुफियान को फ़ौरन मुहायदे के लिए मदीना भेजा और उन्होंने अबू सुफियान को फिर मदीने भेजा कि हमें मुहायदा जो है वो कबूल है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका था, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सब्र किया लेकिन अब उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया और खाना काबा को बुतों से पाक करना भी ज़रूरी हो गया था, और फिर खाना काबा को भी बुतों से पाक करना था, ये बहुत ज़रूरी था। और स्टेटमेंट नंबर 8 है, अबू सुफियान की वापसी के बाद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 हिजरी 10 रमज़ानुल मुबारक को 10,000 सहाबा के हमरा मदीना से रवाना हुए, और अबू सुफियान जब वापस आ गए और उन्होंने कहा कि मुहायदा टूट चुका हुआ है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 हिजरी 10 रमज़ानुल मुबारक 10,000 सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे, साथ थे, और वह मदीना के लिए रवाना हो गए। स्टेटमेंट नंबर 9 है, कुरैश को जब इलम हुआ कि मुसलमान मक्का से चंद मील के फासले पर वादी फ़ातिमा तक पहुँच चुके हैं, और जब कुरैश को पता चला कि मुसलमान जो हैं वादी फ़ातिमा तक जो है वो पहुँच चुके हुए हैं और थोड़ी चंद ही मील का फ़ासला है हमसे उनका, तो
तो कुरैश ने अबू सुफियान को मुसलमानों के लश्कर की तहकीकात के लिए भेजा, तो उन्होंने कुरैश को भेजा कि जाओ जासूसी करके आओ कि कितने लोग हैं, क्या है, क्या उनका इंतज़ाम है, सारा कुछ देख के आओ। अबू सुफियान जब अबू सुफियान रस्ते में ही थे तो हज़रत अब्बास रज़ी ताला अन्हा और हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हा ने उनको देख लिया, उन पर नज़र पड़ गई उनकी, और आप जो थे आप रज़ी ताला अन्हा को बहुत गुस्सा आया और वो काबू से बाहर हो गए और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, या रसूल अल्लाह कुफर के इस्तेताल का वक्त आ गया है, यानी कि अब जो है बदला लेने का वक्त आ गया है, अब इस कुफर को हमें ख़त्म करना होगा। स्टेटमेंट नंबर 10 है, अबू सुफियान के पकड़े जाने के बाद इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगी तो आपने इसे माफ़ कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब अबू सुफियान ने माफ़ी मांगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इतना बड़ा था कि उसको माफ़ कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और ऐलान करवाया, और ये ऐलान करवा दिया जो शख्स अबू सुफियान या खाना काबा में पनाह लेगा, जो भी इसके घर पनाह ली जाएगी, जो भी बंदा इसके घर पनाह लेगा इस बात से मुतासिर हो पनाह लेगा, इसको अमन है, यानी कि उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। इस बात से मुतासिर होकर अबू सुफियान ने भी इस्लाम कबूल कर लिया, और वो इतना इस बात से मुतासिर हुआ कि मैं इतना दुश्मन था फिर भी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे माफ़ कर दिया, और जो है ये भी ऐलान किया कि मेरे घर पे जो पनाह लेगा उसके लिए अमन है, यानी कि उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। तो इस बात से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और वो इस्लाम कबूल कर लिया उन्होंने। स्टेटमेंट नंबर 6 से लेके 10 तक पढ़ी हैं हमने फ़तह मक्का चैप्टर नंबर 9 की। घर का काम है आपने, यही स्टेटमेंट 6 से लेके 10 तक जो अभी हमने पढ़ी है फतह मक्का की, ये आपने याद करनी है और लिख के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव आ सकता है या लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। लेक्चर नंबर 15 नेक्स्ट जो होगा हमारा, सबक नंबर 9 की स्टेटमेंट्स हम पढ़ेंगे 11 से लेकर 14 तक इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।